उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में ऑक्सीजन मामले के बाद सुर्खियों में आए डॉक्टर कफील खान एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। उन्हें एएमयू भाषण मामले में पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है। कोर्ट ने उन्हें बेकसूर करार दे दिया है। अब खान की बेगुनाही साबित होने के बाद सियासत में कई सवाल का उठना लाजमी है, जिसमें सीधे तौर पर योगी सरकार घिरती नजर आएगी। डॉक्टर कफील खान जब से गोरखपुर मामले के बाद से मसीहा बनकर सामने आए थे, तब से योगी सरकार की नजर उन पर टिक गई थी। सरकार लगातार उन पर आरोप लगा रही थी, नए नए मुद्दों को निकाल कर उन्हें फंसा रही थी। यहां तक कि एएमयू में उनके भाषण को भी विवाद बना दिया गया। ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, जिसके बाद झूठ के जाल से पर्दा उठ चुका है, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। इसी के साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2019 में दिए गए भाषण पर उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने उन्हें कथित भाषण के बाद शुरू की गई पूरी कार्रवाई को रद्द कर दिया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को भी निरस्त कर दिया है। दरअसल 29 जनवरी को डॉक्टर कफील को यूपीएसटीएफ ने भाषण के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किया था। 10 फरवरी को अलीगढ़ सीजेएम कोर्ट ने जमानत के आदेश दिए थे, लेकिन उनकी रिहाई से पहले एनएसए लगा दिया गया। उन पर अलीगढ़ में भाषण और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लगाए गए थे। 13 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ में उनके खिलाफ नफरत फैलाने के मामले में धारा 153 के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोप था कि 12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने दिए गए संबोधन में धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। तमाम तर्क सुनने के बाद जस्टिस गौतम चौधरी ने आदेश दिया कि सारी कार्रवाई को रद्द किया जाए और कफील खान को बरी किया जाए। हाई कोर्ट से राहत मिलने पर डॉक्टर कफील ने खुशी जताई है और कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी न्याय मिलेगा। अब खान तो खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कफील खान पर सबसे ज्यादा आरोप लगाने वाले नेता बीजेपी के ही थे। अब जब वो बेकसूर साबित हो गए हैं, तो सवाल बीजेपी पर उठता है कि क्या उसने झूठ बोला था? क्या योगी सरकार ने की थी खान को फंसाने की कोशिश? डीवी लाइव की रिपोर्ट।